ये है सुजुकी की बलिनो और ये है टोयोटा की ग्लांजा। ये है सुजुकी की विटारा ब्रेजा और ये है टोयोटा की अर्बन क्रूजर। इन सभी गाड़ियों में कोई भी फर्क नहीं है सिवाय नाम के और थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस के। हुंडई की क्रेटा या किया सेल्टोस का पेयर हो, निसान की मैग्नाइट या रेनो काइगर का, या वीडब्ल्यू की वर्टस और स्कोडा की स्लाविया का। इंडिया में बहुत सारे कार ब्रांड्स कोलैबोरेशन में ही गाड़ियां बना रहे हैं और वो एक ही प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं इसके लिए। पर ये सारी कार दिखने में काफी अलग लगती हैं और चलने में भी, पर इंटरनेट पर लोग टोयोटा और सुजुकी के कोलैबोरेशन को लेकर खासे नाराज दिखाई देते हैं क्योंकि टोयोटा सुजुकी की कार्स को सिंपली रीबैच करके बेच रही है। इन गाड़ियों में हल्के से डिजाइन चेंजेस के अलावा कुछ भी खास फर्क नहीं दिखाई देता है, चाहे फिर हम इनके इंजन की, इंटीरियर की और ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात ही क्यों ना कर लें। सोशल मीडिया पर लोग इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि टोयोटा अपनी बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है और सुजुकी अपनी काफ़ी हल्की बिल्ड क्वालिटी के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। अब ऑनलाइन भले ही लोग नाराज दिखाई दे रहे हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर सुजुकी के ये दो रीबेस्ड मॉडल्स टोयोटा के लिए 42% सेल्स लेकर आते हैं और इस बात का असर हम इंडियन ऑटो मार्केट में टोयोटा के बढ़ते हुए शेयर से भी देख सकते हैं। 2019 में होंडा का इंडियन ऑटो मार्केट में 4.63% का शेयर था, जो कि 2022 में घटकर सिर्फ 2.05 का रह गया है। लेकिन अगर हम टोयोटा की बात करें तो उनके पास 2019 में 4.61% का शेयर था इंडियन मार्केट में, लेकिन वो 2022 में बढ़कर 5.33% का हो गया है। खैर, सेल्स तो बड़ी है टोयोटा की इन दो रीबेस्ट गाड़ियों के आने की वजह से, लेकिन जो टोयोटा की छोटी कार्स को ओन करने वाले लोग थे वो इस बात से काफ़ी नाराज दिखाई देते हैं क्योंकि जो इंसान पहले इटियोस चला रहा था उसको बलिनो की बिल्ड क्वालिटी उसके आसपास नहीं दिखाई देती है। और इसीलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों टोयोटा को इनोवा और फॉर्चूनर को छोड़कर अपने ऑलमोस्ट सारे ही गाड़ियों को बंद करना पड़ा इंडिया के अंदर, क्यों अपनी छोटी कार्स में एक्सपर्टीज ना होने के चलते टोयोटा ने सिर्फ सुजुकी के साथ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड डील करी है, और ये भी जाने कि ऐसे इंडिया में कार्स पर एटमोस्ट 50% तक टैक्स होने की वजह से टोयोटा ही नहीं ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स कोलैबोरेशंस में कार डेवलप कर रहे हैं। टोयोटा किर्लोस्कर के साथ जॉइंट वेंचर करके 1997 में भारत आई और इन्होंने ईयर 2000 में अपनी MPV क्वालिस को लॉन्च किया। ये गाड़ी इंडिया में आते ही हिट थी। अब इसके हिट होने की कई वजह थी, जैसे इसका इंजन बहुत ही ज़्यादा टॉर्की था, राइड काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी कॉम्पिटिशन के मुकाबले, पर इन सबसे भी बहुत बड़े दो कारण थे, जिसमें पहला तो टोयोटा का बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंजन था और दूसरा इनकी बहुत ही अच्छी आफ्टर सेल सर्विस थी, ऐसी सर्विस जो दूर दूर तक इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं दे रही थी। टोयोटा किर्लोस्कर ने जल्द ही इनोवा को क्वालिस के सक्सेसर के रूप में रिप्लेस कर दिया और आज तक भी उस गाड़ी का कोई कॉम्पिटिशन नहीं दिखाई देता है इंडियन मार्केट के अंदर। सिर्फ इनोवा ही नहीं, टोयोटा की फॉर्चूनर भी अपने सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही है और करोला जैसी गाड़ियाँ भी पास में बहुत अच्छा परफॉर्म करके गई हैं टोयोटा के लिए। पर टोयोटा के पास कोई भी सस्ती गाड़ी नहीं थी और इसीलिए उन्होंने इटियोस और लीवा को 2010 में इंडिया में लॉन्च करा। शुरुआत में तो इस गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, पर धीरे धीरे इसकी सेल्स गिरने लगी और इसके कुछ बहुत ही मेजर रीज़न थे। पहला तो ये था कि इस गाड़ी के लुक्स बहुत ही कम लोगों को पसंद आए थे, इंटीरियर में प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा चीप लगती थी और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को डैशबोर्ड के बिल्कुल बीचों बीच में दे रखा था, जो बहुत ही कम लोगों को पसंद आता है इंडिया के अंदर। इन बातों के अलावा टोयोटा की रिलायबिलिटी ही उनके लिए मुसीबत बन गई। अपनी ठीक ठाक फ्यूल एफिशिएंसी और बहुत ही अच्छी रिलायबिलिटी और सर्विस की वजह से ये गाड़ी टैक्सी ड्राइवर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगी और बहुत सारे लोगों ने इसे कमर्शियल पर्पस के लिए लेना शुरू कर दिया। और इंडिया में अगर कोई कार टैक्सी के तौर पर चलने लग जाए तो प्राइवेट व्हीकल ओनर उसे लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और इसी वजह से इनके पास ले दे के जो दो छोटी कार्स थी उनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा गिरने लगी। टोयोटा ने सी सेगमेंट सेडान में भी अपने हाथ आजमाए और अपनी यारिस को इंडिया में लॉन्च करा। वो कार भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। टोयोटा ने उसके दो टॉप मॉडल्स में 6 एयरबैग्स दिए थे, जबकि उस टाइम कंपटीशन में कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था और ना ही गवर्नमेंट ने ऐसा कोई ऑर्डर दे रखा था। पर उस कार ने तो बिल्कुल भी ट्रैक्शन गेन नहीं किया। मे बी उसके लुक्स लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आए या उसका इंजन वरना और सिटी के मुकाबले लोगों को उतना ज़्यादा पंची नहीं लगा होगा। और इसके अलावा इनकी डी सेगमेंट की करोला ऑल्टिस बढ़ते हुए एसयूवी कल्चर का शिकार हो ही रही थी, जैसे सेविक और इलांट्रा जैसी गाड़ियाँ होती रहती हैं अक्सर। टोयोटा ने एक के बाद एक अपने सारे मॉडल्स इंडियन मार्केट से बाहर निकाल लिए और टोयोटा सिर्फ अपनी इनोवा और फॉर्चूनर के दम पर टिकी रही इंडियन मार्केट में। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ टोयोटा ही इंडियन मार्केट में सफ़र कर रही थी। टोयोटा ने जब अपने बहुत सारे मॉडल्स को बंद करने का फैसला लिया था वो साल था 2019, और अगर 2019 में ही हम देखें तो टोयोटा के पास 4.61% शेयर था मार्केट का, पर फोर्ड, रेनो, फॉक्सवैगन और निसान की हालत तो उससे भी ख़राब थी, वो उनसे भी नीचे थे। बावजूद इसके टोयोटा ने 2020 के सेकेंड हाफ में ये स्टेटमेंट दी कि वो इंडिया में और आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे और उसका रीज़न उन्होंने ये दिया कि सरकार चाहती ही नहीं है कि कंपनी यहाँ पर काम करे। इंडिया दुनिया के कुछ उन देशों में से हैं जहाँ पर गाड़ियों पर सबसे ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं। इसको हम इस टेबल से समझ सकते हैं। अगर आप 1200cc से कम की और 4 मीटर से छोटी गाड़ी लेते हैं तो उस पर आपको 28% GST और 1% कंपनसेशन सेस देना पड़ता है।
और वहीं अगर आप एक पेट्रोल कार लेते हैं 1200cc से बड़े इंजन की, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेंथ, और अगर आप एक बहुत बड़ी डीजल इंजन वाली SUV लेते हैं फॉर्चूनर टाइप, तो आपको 22% सेस देना पड़ेगा। और अगर हम 28% GST और इस सेस को मिला लें तो ये टैक्स टोटल बन जाता है 50%। और ये टैक्स तो एक्स शोरूम प्राइस को मिला के है, यानी कि ये टैक्स कार के बेस प्राइस पर लगता है और इनके लगने के बाद ही एक्स शोरूम के प्राइस आपको बताए जाते हैं। अब इन टैक्स के भरने के बाद आप टैक्स के ऊपर टैक्स भी भरते हैं एज ए RTO टैक्स और इंश्योरेंस पर भी। और ऐसे ही आपकी जिस कार का बेस प्राइस ये था उसका एक्स शोरूम प्राइस ये हो जाता है और ऑन रोड प्राइस ये पड़ता है आपको। अब जैसे मैंने आपको पहले ग्राफिक में दिखाया था कि इंडिया में टैक्स कार्स के साइज़ और उनके इंजन कैपेसिटी के हिसाब से लगता है, और यही टोयोटा के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि टोयोटा के इंजन्स काफ़ी बड़े होते हैं और उनके डीजल इंजन की डिमांड ज़्यादा है पेट्रोल के मुकाबले। इसीलिए इन टैक्स पर टोयोटा के वाइस चेयरमैन ने 2018 में कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट को इमिशंस पर टैक्स लगाना चाहिए, ना कि इंजन, गाड़ी के साइज और ग्राउंड क्लियरेंस पर, यानी कि हर कार मॉडल के टेल पाइप से निकलने वाले धुएं को चेक करके ही उस कार पर टैक्स लगना चाहिए। टोयोटा दुनिया में हाइब्रिड व्हीकल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। दुनिया भर में टोयोटा के 34 हाइब्रिड मॉडल्स हैं और वो अपनी इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को कई बड़ी कंपनीज को भी देते हैं, जैसे होंडा को, कुछ जर्मन कंपनीज जैसे BMW और कोरियन कंपनीज को। वो चाहते तो अपने हाइब्रिड व्हीकल से भी इंडिया में पकड़ बनाने की कोशिश कर सकते थे, पर हाइब्रिड कार्स में भी इंडिया में 43% तक का टैक्स लगता है इंक्लूसिव ऑफ GST, और ये टैक्स उस टेक्नोलॉजी पे लगता है जो पहले ही नॉर्मल पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से महंगी पड़ती है। अब ये जो खतरनाक टैक्सेस हैं और जो उन्होंने फेलियर देखे हैं इंडिया में अपनी छोटी कार्स को लॉन्च करके, इन बातों के चलते टोयोटा ने डिसाइड किया कि वो खुद से कोई भी नया मॉडल डेवलप नहीं करेंगे इंडिया के लिए। इसीलिए उन्होंने सुजुकी के साथ एक ग्लोबल डील साइन करी जिसमें टोयोटा सुजुकी को अपने टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम देंगे ग्लोबल मार्केट के लिए, टोयोटा अपनी REV4 और कोरोला वैगन का प्लेटफॉर्म देंगे यूरोपियन मार्केट के लिए, और इंडियन मार्केट के लिए सुजुकी को वो अपना हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम देंगे। इसके बदले में टोयोटा ने सुजुकी की सियाज और अर्टिगा मांगी इंडिया के लिए, जिसके बजाय वो अब बलिनो और विटारा ब्रेजा को बेच रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने सुजुकी से ये 5 कार्स मांगी अफ्रीका में रीबैच करके बेचने के लिए, और उन्होंने सुजुकी के साथ मिलकर C सेगमेंट MPV डेवलप करने का फैसला भी किया जो वो अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते और सुजुकी को रीबैच करने के लिए देते। अब ये जो C सेगमेंट MPV वाली बात है, इसके रूमर्स तो हम अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन ऊपर बताई गई ऑलमोस्ट सारी डील्स दोनों ब्रांड्स मिलकर इंप्लीमेंट कर चुके हैं। अब मेरे हिसाब से जो ये C सेगमेंट वाली MPV डेवलप करने की बात कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि टोयोटा अपनी फैक्ट्री में और अपने R&D से इन गाड़ियों को बनाती है, तो वो सुजुकी इतनी कॉस्ट कटिंग नहीं करने वाले हैं। पर इस पूरी डील को मैं फिर भी इंडिया के लिए फेयर नहीं मानता हूँ, और मेरे पास उसके लिए एक सॉलिड रीज़न है। अगर आप इसी टेबल में देखेंगे तो इन्होंने जो अफ्रीका और इंडिया में सुजुकी की कार देने की बात करी है वो इसको सिर्फ रीबैच करके बेचेंगे यहाँ पर, लेकिन इन्होंने जो यूरोप में छोटी कार्स बेचने की बात लिखी है वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। यूरोप में टोयोटा सुजुकी के इंजिन्स को यूज़ करेंगी अपनी छोटी कार्स में, पर उन्होंने ये भी लिखा है कि इन इंजिन्स पर डेंजो और टोयोटा भी काम करेंगे और वो इन्हें टोयोटा की फैक्ट्री में ही बनाएंगे। टोयोटा हमेशा से ये कस्टमर सेंट्रिक कंपनी रही है और वो हमेशा से ये चाहते हैं कि उनकी गाड़ियाँ कम से कम रिलायबिलिटी इशू दें कस्टमर्स को, और वो इसीलिए इन सुजुकी के इंजिन्स को अपने चेक पॉइंट्स में से निकालने के बाद ही यूरोपियन मार्केट्स में लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने इंडिया और अफ्रीका के लिए ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया है। टिम अर्कहार्ट जो प्रिंसिपल एनालिस्ट हैं HIS ऑटोमोटिव में, कि आजकल वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ब्रांड्स कोलैबोरेशन करने के बाद ही गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। जो अब कार्स में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो उन्हें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, और जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन बनाने पड़ते हैं, इन सबके R&D में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, और कोलैबोरेशन की वजह से ये सारी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। और इंडिया जैसे देश में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं गाड़ियों पर। पर वो ये भी बोलते हैं कि ये जो बैज इंजीनियरिंग होती है, यानी कि कार्स पर अपना लोगो लगाकर बेचना, वो एक टिपिकल डाउनफॉल है पुअर पार्टनरशिप का। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पार्टनरशिप में अक्सर ऐसा लगता है जैसे कस्टमर को धोखा दिया जा रहा है, और इसके रीज़न तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस ही हैं। और ये बात टोयोटा के लिए और भी ज़्यादा सच हो जाती है क्योंकि टोयोटा की कार्स बनाने की पॉलिसी हमेशा से ही सुजुकी के बिल्कुल उलट रही हैं। पर फिर भी टोयोटा तो इससे थोड़े फ़ायदे में ही है, वो ईयर ऑन ईयर 0.65 की ग्रोथ दिखा रहे हैं और इंडिया में 6th सबसे बड़े ऑटोमेकर भी बन चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, और अपने विचार टोयोटा के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ कर जाएं। थैंक यू।